नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते SSB क्लर्क के एग्जाम में सिर्फ अपने को 10 दिन रह गए हैं। हूँ आप डायरेक्टली इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कवर करेंगे तो आप ब्रीफली नहीं लेवेंगे तो फटाफट आप आज की क्लास स्टार्ट कर लेने हैं। इस वीडियो में नैटवर्क रिलेटेड जिन्हें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बढ़ सकते हैं वो सारे इंक्लूड ने। जो तुम कंप्यूटर रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल बाय करना चाहते हो तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। एंड फिर तुम जस्ट 44 रुपीज़ में इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन PDF फाइल में बाय कर सकते हैं, जिस विच कम तो कम 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के रिगार्डिंग इंक्लूड होंगे। ओके दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिता आप ऑलरेडी, तो हम आप क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लें। कंप्यूटर नैटवर्क की है? कंप्यूटर का एक समूह हों दोस्तों जो हरेक नाल जुड़े होंगे ने। उन्होंने वो क्यों जुड़े होंगे ने? कोई भी अपना डेटा सेंड करना है या डेटा रिसीव करना है उसके उद्देश्य नाल ही कंप्यूटर जुड़े होंगे ने, तां जिसनों कंप्यूटर नैटवर्क का नाम दिता गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की गल करिए, पहले कंप्यूटर नैटवर्क का नाम क्या सी? दुनिया का सब तो पहला कंप्यूटर नैटवर्क आर्पनैट सी, ते आर्पनैट का पूरा रूप काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछ लिया गया क्वेश्चन, काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो आर्पनैट का फुल नेम है जिहड़ा, वो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नैटवर्क, इस दे फुल फॉर्म है। ओके दोस्तों, काफ़ी मेहनत नाल तुहाडे वास्ते इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फाइंड करके PDF विच इनकलूड करके वीडियो के रूप में तुहानू प्रोवाइड करवाउना, तां करके पर वीडियो ते ना उन्ने व्यू आउंदे ने। व्यू चलो आ भी जांदे ने ठीक ठाक जी, बट लाइक ते कमेंट बिल्कुल नहीं आउंदे। मैं यही कहना जी वीडियो तुहानू बेनीफिशियल लगती है, थोड़ा जिहा कम आउंदी है, तुहानू थोड़ा जिहा कोई नॉलेज मिलदी है वीडियो तों, तां उहनू लाइक तो एक कमेंट जरूर कर दिया करो, अपना ओपीनियन दस दिया करो। एंड जे ज़्यादा ही अच्छी लगती है तो चैनल में सबसक्राइब भी कर दिया करो। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की गल करिए, कंप्यूटर नैटवर्क दी कुछ विशेषतावां एग्जाम में पूछी जाती इन्हां विचों कंप्यूटर नैटवर्क की की विशेषता है? तो याद रखो इन्हां तो इलावा होर कोई तुहानू कंप्यूटर की विशेषता देखने को नहीं मिलेगी ऑप्शन में। सब तो पहले कंप्यूटर नैटवर्क का आपां नूं की बेनीफिट है? रिसोर्स आप शेयरिंग कर सकते हैं, कोई भी डेटा आप लै सकते हैं तो दे सकते हैं। इस तो इलावा संचार गति कम्युनिकेशन स्पीड काफ़ी वधिया स्पीड नाल, जिवें हुण चिट्ठी भेजेंगे तो 4 या 5 दिनों में पहुँचते हैं, तो नैटवर्क आने नाल अपनी लाइफ में की स्पीड, इसकी संचार की स्पीड बढ़ गई है। इस तो इलावा जो कोई डिलीट हो जाता है तो वह आप बैकअप भी कर सकते हैं कंप्यूटर नैटवर्क राही। एंड स्केलेबिलिटी दी आपां प्रोसैस करन दा भी यह मौका दे दिंदा है। इस तो इलावा भरोसेमंद है, भरोसेयोगता है, तो सिक्योरिटी भी आपां प्रदान करवाउंदा, कोई भी डेटा अपना लीक नहीं हुंदा जां चोरी नहीं हुंदा। इस तो इलावा सॉफ्टवेयर ते हार्डवेयर शेयरिंग दा ऑप्शन भी आपां नूं कंप्यूटर नैटवर्क विच देखण नूं मिल जांदा है। क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए, कुछ नैटवर्क डिवाइसिस के नाम दसो। एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, 3 तुहानूं कंप्यूटर जिहड़े सोर्स के नाम दिए जाएंगे, तो 4था जिहड़ा नैटवर्क डिवाइस का नाम दिता जाएगा। तुसीं उन्हां चारों विचों डिफाइन करना होगा कि नैटवर्क डिवाइस किहड़ा इन्हां विचों, तां इह सारे नैटवर्क डिवाइस ने। तो याद रखियो, हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडम, तो राउटर, तो रिपीटर, यह सारे जिहड़े 7-8 ने, यह सिर्फ यही एग्जाम में आउणगे, तां नैटवर्क डिवाइस के नाम ने, इन्हां नूं चंगी तरह रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 की गल करिए, नैटवर्क की किस्म टाइप ऑफ नैटवर्क्स किन्ने टाइप के होंगे ने? तो सब तो पहला जिहड़ा सब तो छोटा नैटवर्क मनिया जाता है जिसनों पैन होंगे, है परसनल एरिया नैटवर्क पैन की फुल फॉर्म है। दोस्तों यह जिवें आप मोबाइल या कंप्यूटर तो है ना किसी नाल ब्लूटूथ नाल अटैच कर लें, उन्होंने आप ब्लूटूथ के थ्रू आप कुछ सेंड करते हैं, है जां आप कोई स्पीकर अपने ऐड कर लें कंप्यूटर नाल, तो उस किस्म का नैटवर्क होंगे जिसका एरिया जिसकी रेंज कितनी तक रहती है? 10 मीटर तक सिर्फ यही रेंज रहती है। जो आप 10 मीटर तो बाहर जावे तो संपर्क टुट जाता है। तो सैकेंड नैटवर्क की गल करिए, लैन। लैन का पूरा नाम क्या होंगे? लोकल एरिया नैटवर्क है। यह कंप्यूटर टू कंप्यूटर जुड़िया होंगे, जिवें आप एक बिल्डिंग में बैठे ऑफिस खोलिया हुआ है, एक कंप्यूटर दूजे कंप्यूटर नाल जुड़िया हुआ है, तो उसनों लोकल एरिया नैटवर्क के नाम नाल जाना जाता है। तो इसकी की किन्ने दूरी तक यह सपोर्ट करता है? तो 150 मीटर की दूरी तक, तो जे कंप्यूटर है तो यह सपोर्ट करेगा, जो उस तो बाद बाहर हो जाता है तो इसका नैटवर्क टुट जाता है। इस तो बाद की है मैन, जिसकी फुल फॉर्म है मैट्रोपोलिटन एरिया नैटवर्क। यह 50 किलोमीटर तक के दायरे में, मतलब बिल्डिंग टू बिल्डिंग, जिमें एक मेन कंप्यूटर का जिहड़ा हब है अपना कंप्यूटर का सैटअप है अपने एक बिल्डिंग में, तो आप 50 किलोमीटर तक के जिहड़ी मर्जी स्कूल हॉस्पिटल आप अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लै सकते हैं। इसमें मैन नैटवर्क कहा जाता है। तो इसका दायरा कितना होता? 50 किलोमीटर का होता है। तो सब तो 4th की गल करिए, वैन। वैन का फुल नाम फुल नेम की है?
वाइड एरिया नेटवर्क, यह कोई फिक्स नहीं हुंदा, यह कंट्रियां नूं बिलोंग करदा, मतलब कि आपां इस इंडिया तो इंडिया दा कुछ डेटा आपां फॉरन विच भेजना है तां उस तरह दे जिहड़े इह नेटवर्क हुंदे ने उहनां नूं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क कहा जांदा। इसका कोई दायरा फिक्स नहीं हुंदा, यह मतलब कि अपार हुंदा है। क्वेश्चन नंबर 7 की गल करिए, पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम की सी? ओबीएस मैं तुम्हें दस चुका हाँ, आर्पनैट है। तो आर्पनैट की फुल फॉर्म जो तुम चंगी तरह रीड कर लिया होगी उपर ना वीडियो में मैं कमेंट करके जरूर दस दौ। क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए, पी ओ पी का पूरा रूप की है? तो पी ओ पी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। हुण आपां किसी नूं मैसेज सेंड करते हैं अपने इंटरनेट के थ्रू, आपां मेल करते हैं जां फेसबुक या इंस्टाग्राम से मैसेज करते हैं, वह एक प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है। प्रोटोकॉल होंदा एक, तो मतलब कि उसनों आपां इस फोन तो एक फोन तो दूजे फोन तक भेजते हैं तो कुछ तो होंगे ना, तो उसनों प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यह किहड़े प्रोटोकॉल के थ्रू होंदा? यह पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के थ्रू होंदा। क्वेश्चन नंबर 9 की गल करिए, ओ एस आई मॉडल में कितनी परतें होती हैं? याद रखो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, टोटल 7 लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, हब की है? जिमें कि तुम्हें उपर समझा चुका, हब नैटवर्क डिवाइस है एक। क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, आई पी का पूरा रूप की है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, डैश नैटवर्क एक नैटवर्क है? इंटरनेट ही एक नैटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, होम पेज डैश के रूप में है? होम पेज भी टैक्सट के रूप में होंगे, हाइपरलिंक के रूप में होंगे, तो हाइपर टैक्सट। इन्हों एक ऑप्शन तुम्हें देखने को मिल सकता, तुम तीन याद रखो, तिनाचों एक ना एक जरूर एग्जाम तो पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, इंटरनेट तो हाइपरलिंक दस्तावेज का संग्रह डैश कहा जाता है? तो WWW जिमें आप एड्रेस चैक करते हैं ना उपर, कोई भी वैबसाइट का एड्रेस होंगे उपर है ना, उस WWW तो स्टार्ट होंगे, तो इसमें कि हाइपरलिंक का दस्तावेज का संग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, WWW का रूप की है, फुल फॉर्म की है? इसी वर्ल्ड वाइड वैब इज द फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, इंटरनेट के एक स्रोत का स्थान डैश द्वारा दिता गया, तो URL द्वारा आपको लोकेशन पता लगती है, जो भी आप फाइंड कर रहे हैं गूगल पर उस एक URL होंगे जोड़ा उसका एड्रेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, फुल फॉर्म ऑफ URL का पूरा नाम की है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। काफ़ी बार एग्जाम ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो करके ध्यान इसमें याद कर लियो। क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, वैब ब्राउजर डैश है? तुहानू एग्जाम पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दिए होंगे, तीन अदर किसी डिवाइस के नाम होंगे, तो एक ब्राउजर का नाम होगा। बस तुम याद रखियो, इंडिया में जो फेमस ब्राउजर ने वह गूगल क्रोम ने, ओपेरा फायर सॉरी ओपेरा हूँ बैन हो चुका है, तो मोज़िला फायरबॉक्स है। इन्होंने तिना बच्चों ही कुछ अपन एग्जाम से देखने को मिले। ओके दोस्तों, एंड क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, डैश सब तो आम इंटरनेट प्रोटोकॉल है? TCP/IP जिहड़ा सब तो नॉर्मल आम होंगे, मतलब हर चीज़ में यूज़ होंगे TCP प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, FTP की फुल फॉर्म की है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एग्जाम काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए, X.25 डैश की है? ये X.25 यह एक प्रोटोकॉल होंगे है। क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए, इंटरनेट टोपोलॉजी की उदाहरण स्टार बस रिंग, यह तीन ने जोड़े कि टोपोलॉजी नैटवर्क की उदाहरण ने। क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसका फुल नेम है, उसका पोर्ट नंबर की होंगे? तो सब पोर्ट नंबर तो डेफिनेटली एग्जाम पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी टफ है तो याद करने थोड़े जे डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो याद रखियो, जिमें मर्जी रिलेट कर लो, तो जिमें मर्जी थोड़ा मन करे उमें याद रख लो, क्योंकि तीन चार ने टोटल पोर्ट नंबर। तो FTP का प्रोटोकॉल जोड़ा वो 21 है। इस तो बाद गल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 की गल करिए, IBP6 एड्रेस कितना लंबा होंगे? IBP6 एड्रेस की लंबाई कितनी होंगी? तो 128 बिट्स होंगी है। तो IBP4 एड्रेस की लंबाई कितनी होंगी? 132 होंगी है। इन्हों दोनों तो इलावा एग्जाम तुम्हें IBP के रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दो ही किस्म ने IBP दी, IBP6 तो IBP4। बस तुम याद कर लो, जिमें मर्जी रिलेट कर किसी IBP6 का जोड़ा लंबाई एड्रेस की उसकी 128 है, तो IBP4 की एड्रेस की लंबाई जी कल्ली 32 बिट्स है। IP के किन्ने संस्करण उपलब्ध ने? जिमें तुम उपर दस दें, सिर्फ दो ही वर्जन ने इसके, IBP6 तो IBP4। क्वेश्चन नंबर 27 की गल करिए, डैश नैटवर्क पहचान का हिस्सा है? कोई भी आप वैबसाइट ओपन करते हैं तो उत्ते अपने तो यूजर ID पासवर्ड
ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ ਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੰਬ ਨੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਸਵਰਡ, ਮਤਲਬ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਦੂਜੇ ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ? ਉਸਨੂੰ SMTP ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, MIME ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ MIME ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, IMAP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਇੰਡ ਲਾ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ IMAP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, 143 ਇਸਦਾ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, BPS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ BPS, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ BPS ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਾਈਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਲੂਟੂਥ ਇਜ਼ ਏ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆਫ, ਬਲੂਟੂਥ ਦੀ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ? ਇਹ ਪੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਲੂਟੂਥ ਘੱਟ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਲੂਟੂਥ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਪੈਨ ਯਾਨੀ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੂਥ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਮਤਲਬ ਸਰਵਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਕਅਪ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਵਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਟਰਾਨੈੱਟ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 4-5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋੜਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਟਵੇ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਸ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜੋੜਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੋਡਮ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਿਪੀਟਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿਰਫ ਰਿਪੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਂਜ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈੱਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਰਿਪੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੇਂਜ ਉਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੋਡ ਡੈਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨੋਡਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, PPPPP ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸਦਾ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ 48 ਬਿਟਸ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, FM ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, AM ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ, ਜਿਸਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਟੋਟਲੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 44 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, NIC ਦੀ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ NIC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 45 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡੈਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਡ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਨੋਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 46 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਧਾਰਨ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯਾਨੀ SMTP ਦਾ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੀਜਾ ਇਹ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ SMTP ਦਾ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 25 ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, POP ਯਾਨੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ 110 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ।
क्वेश्चन नंबर 48 की गल करिए, डैस लई रिसोर्स की वंड अते प्रबंधन है, मतलब कि सर्वर है जिहड़ा, ये रिसोर्स जिहड़े अपना रिसोर्स हुंदा स्रोत हुंदे ने उहनां दा उहनां दी वंड करन दा जिहड़ा प्रबंध करता है सर्वर करता है। क्वेश्चन नंबर 49 की गल करिए, डैस संचार का सब तो आम माध्यम है, केबल्स राही संचार सब तो नॉर्मल जी गल है, मतलब कि आम माध्यम तो अजकल भी मोस्टली काफ़ी नहीं अद्ध तो ज़्यादा जिहड़ा केबल्स द्वारा ही संचार किया जाता है।